हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अच्छे से रहिए, अपना ध्यान दीजिए। तो चलिए, जो सीरीज़ हमारा चल रहा था जुलाई के करंट अफेयर्स रिलेटेड, तो फर्स्ट सीरीज़ हो चुका है। आज आपका यहाँ पे सेकंड सेकंड आपके लिए वीडियो आया है जिसमें आपके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, इसको जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे बोला है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक जगह फेमस प्लेस है और एक जगह रिवर है, तो आपको बताना है इसमें से करेक्टली कौन सा मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22, हु रिलीज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट, कौन है जो रिलीज करता है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिड्यूस प्राइस वैट ऑन डीजल टू 16.75%, कौन से ऐसे राज्य सरकार है जिसने रिड्यूस किया है प्राइस वैट का ऑन डीजल पे 16.75% पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच नेशन हैज एक्सटेंडेड इट्स कोरोना वायरस क्वारंटाइन पीरियड फ्रॉम 7 to 10 days फॉर सिम्टोमेटिक केसेस, कौन सा ऐसा नेशन है जिसने एक्सटेंड कर दिया है कोरोना वायरस का क्वारंटाइन पीरियड 7 से 10 दिन का सिम्टोमेटिक केसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ज्वाइंटली इनॉगरेटेड द न्यू सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ऑफ विच नेशन ऑन जुलाई 30, 2020। प्राइम मिनिस्टर जो हमें नरेंद्र जी मोदी जी हैं, उन्होंने इनॉगरेट किया है नया सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग जुलाई 30, 2020 में, तो किस कंट्री उसका नाम बता, नेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन कंसेप्ट रिलेटेड है, आपको रटना नहीं है। आप अगर अच्छे से इसमें न्यूज़ में पढ़ोगे तो ज़रूर आप इसका आंसर दे पाओगे। बहुत ही मैंने मतलब ये जो आपका वीडियो आप देखोगे इसमें काफ़ी थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चन भी हैं, बट आई नो मेरे सोल्जर्स और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट, दे आर गोइंग टू रॉक, जैसे अपने फर्स्ट सीरीज में किया था। तो चलिए, मैं क्वेश्चन का मतलब आपको समझा दूंगी जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए और जो करेक्ट है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है, द टर्म कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अच्छे से डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, हमारे संविधान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ बट ऑल्सो ऑफ ट्रिब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द एंटायर कंट्री, सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, उसके पास पावर है कि वो पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट के लिए नहीं इटसेल्फ बट ऑल्सो ट्रिब्यूनल फंक्शन के लिए भी पूरे एंटायर कंट्री में। ओके, थर्ड, सिविल कंटेम्प्ट मीन्स एन एक्ट विच इंटरफेयर्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर, सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है कोई ऐसा एक्ट जो इंटरफेरेंस करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए किसी भी मैनर में। अगर आपको पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है तो ही आप इससे रिलेटेड बता सकते हो। तो गूगल में ऑब्वियसली आप लोग सहारा लेगा गूगल का, तो गूगल में जाके पहले ये देखिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, इससे कोई रिलेटेड अभी न्यूज़ आया है रिसेंटली उसमें आपको बताना है। चलो, थोड़ा लेवल टफ है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप अटेम्प्ट करो फाइनली, जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप सब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो जो आपका छोटे, 100% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको अबव स्टेटमेंट से जो करेक्ट है वो आपको बताना है। पहला, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस गवर्नर के प्लेजर से, खुशी से, ये बोल रहा है, ठीक है। नंबर सेकेंड, वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑन ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं राज्य के, उनकी ड्यूटी होती है कि वो गवर्नर जो है कि उनके संग डिसीजन जो भी लें काउंसिल मिनिस्टर के संग, तो वो उनको बताएं, क्या उनकी एक ड्यूटी है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच नेशन कांग्रेसनल कमिटी हैज पास्ड अ बिल टू प्रमोट लीगेसी ऑफ महात्मा गांधी एंड मैरिटाइम लूथर किंग जी आर, कौन सा ऐसा नेशन है जिसने कमिटी पास की और प्रमोट किया लीगेसी ऑफ महात्मा गांधी एंड मैरिटाइम लूथर किंग का, बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट है नहीं। पहला, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, NAA, क्या कॉन्स्टिट्यूट हुआ है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में। सेकेंड, द अथॉरिटी को फंक्शंस टू इंश्योर दैट एनी डिडक्शन रेट ऑफ GST टैक्स और एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, जो अथॉरिटी है उनका फंक्शन ये है कि किसी भी तरह का रिडक्शन जो होता है रेट ऑफ GST टैक्स में, किसी भी तरह का सप्लाई ऑफ गुड्स में, सर्विस में, या बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट में, शुड बी पास्ड ऑन द रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट होते हैं उनको पास करना चाहिए बाय वे ऑफ कमेंसुरेट करके, ताकि रिडक्शन हो प्राइस का। ओके, बताना आपको, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा,
नहीं समझ आया वापस पढ़िए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, उसको पढ़िए। थर्ड, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी कैन नॉट इम्पोज एनी पेनल्टी ऑन द डिफॉल्टिंग बिजनेस एंटिटी। नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी जो है वो इम्पोज नहीं कर सकता किसी भी तरह का पेनल्टी या फाइन ऑन द डिफॉल्टिंग बिजनेस एंटिटी, एज इट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ठीक है, चलो तो ये बताइए क्या करेक्ट है कि गलत है, या कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो ऑब्वियस पता, अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस का प्रिपरेशन कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस का, बैंकिंग एग्जाम का, तो आपको इसका बोर्ड पता, आपको बताना है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का फंक्शन क्या है। तीन यहाँ पे दिया है, कौन सा करेक्ट है। पहला पूछा है कि इम्प्रूव द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक का गवर्नेंस इम्प्रूव करता है, एडवाइस करता है द गवर्नमेंट टॉप लेवल बैंक अपॉइंटमेंट से, प्रोवाइड करता है एडिक्वेट कैपिटल टू द पब्लिक सेक्टर बैंक टू डील कर सके बैड लोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एज पर अ न्यू स्टडी 1 in 3 चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड आर थ्रेटन बाय हाई लेवल ऑफ विच केमिकल एलिमेंट इन द ब्लड। न्यू स्टडी के हिसाब से 1 in 3 चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड थ्रेटन करता है हाई लेवल ऑफ कौन से केमिकल एलिमेंट को हमारे ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इंडिया इज प्लानिंग टू एक्सटेंड इट्स साइंटिफिक कोलेबोरेशन विद विच नेशन विद प्रोजेक्ट वर्थ 8 million pound। इंडिया का प्लानिंग जो है कि एक्सटेंड करना है साइंटिफिक कोलेबोरेशन को किस नेशन में, और प्रोजेक्ट जो है उसका 8 million pound का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच स्टेट विल होस्ट द फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम। फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम कौन सा राज्य है जो कि होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल से कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट बोला है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैंने आपको बताया भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी आती है। सेटअप द स्ट्रेंजेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड मैकेनिज्म फॉर मेंटेन, ताकि वो मेंटेन कर सके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रमोटिंग, तो ध्यान दीजिएगा। सेकंड बोला है काउंसिल को चेयर करता है यूनियन प्राइम मिनिस्टर, देख लीजिए। थर्ड बोला है कि इंटरनेशनल इंटरफेयर्स फाइनेंशियल सेक्टर बॉडी लाइक द फाइनेंशियल टास्क फोर्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बॉडी। फोर्थ है गवर्नर जो होते हैं आरबीआई के, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो मेंबर होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सटर्नल न्यूट्रल अल्कोहल। एक्सटर्नल न्यूट्रल अल्कोहल के हिसाब से आपको बताना है क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको पढ़िए और उसको आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च्ड अ हाइपर लोकल 90 मिनट डिलीवरी सर्विस। कौन सा ऐसा ई कॉमर्स कंपनी है जिसने लॉन्च किया हाइपर लोकल 90 मिनट डिलीवरी सर्विस। तो यहाँ पे आपके 36 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, सारे क्वेश्चन जो जुलाई के करंट अफेयर्स है वो सारा मैंने बता दिया। बाकी आप लोग सारे क्वेश्चन को पोस्ट करते हो, अच्छी बात है। और ये वाला चीज़ अगर आप ये सीरीज करते हो, ये जो करंट अफेयर्स का स्टार्ट किया सीरीज आपके लिए, आप जब एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि मैंने आप सबका कमेंट भी पढ़ा है, और पर्सनली बहुत सारे बच्चे ने कमेंट भी किया था मुझे, तो आई नो कि आप सबको इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। मैं बार बार कहती हूँ, अगर कोई बच्चा नहीं अटेम्प्ट कर रहा तो वो खुद आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि 100% श्योरिटी मैं तभी बोल रही हूँ, क्योंकि आप देखते हो कि जब वीडियो आता है तो एक दिन का गैप होता है, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो जाके भी बनता है कि आपके पास अच्छे क्वेश्चन हैं, कि जब आप बैठो तो आपका इतना कंसेप्ट क्लियर हो कि आप जीएस को बच्चे जो इग्नोर करते हैं वो सबसे पहले आप अटेम्प्ट करना कोशिश करो। ये मेरा कोशिश है कि हर एक बच्चे का जीएस स्ट्रांग हो जाए। और हाँ, अगर आप ये नहीं दे रहे हो, नहीं खुद से करना है, नहीं आपको अटेम्प्ट करना, तो प्लीज आप उन बच्चों को पास कर दो, उन बच्चों को शेयर करो जो सच में नीडी स्टूडेंट है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो जुलाई का जो आपका करंट अफेयर्स का सेशन है वो यहीं पे ये सीरीज खत्म होता है। नेक्स्ट जो सीरीज मेरा आएगा उसमें मैं सारे आंसर आपको बता दूंगी अच्छे से, और कमेंट बॉक्स पे भी मैं पोस्ट कर दूंगी, और आपको आंसर भी बता दिया जाएगा सैम्पल पेपर के द्वारा, वीडियोस में आएंगे। तो यहाँ पे आपकी जुलाई की सीरीज खत्म होते हैं। आप मुझे कमेंट सेशन में, एग्जाम तो आप दोगे, उसके साथ साथ मुझे ये भी बताना कि आपको आज का क्वेश्चन कैसा लगा, मतलब कैसा था, ट्रिकी था, मॉडरेट था, इजी था, डिफिकल्टी था, आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, यू हैव लर्न समथिंग, और मतलब नया कुछ सीखने मिला कि नहीं। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको कुछ नया सिखाया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा सीरीज आएगा उसमें मैं सारे आपको आंसर्स भी बता दूंगी, और ये करंट अफेयर्स को इसी तरह पढ़ते रहिए। जुलाई का खत्म हो गया है, अगस्त का आएगा, और कुछ ही दिनों में हमारे लाइव सेशन होंगे, तो फिर हम लाइव इंटरेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से, तब तो आप एकदम लाइव आंसर दोगे, तो वो तो बहुत ही अच्छा सेशन होगा। कि सो प्रे फॉर द गॉड कि जल्दी जल्दी सिंपल पेपर का टीम मतलब एक्सपेंड हो, और जल्दी से अच्छे से अच्छे वीडियोज और लाएं और लाइव करें, ताकि आप और हम एक दूसरे को देख पाए अच्छे से, पढ़ पाए, आप भी पढ़ पाओ अच्छे से, और ज्यादा से ज्यादा सेशन हम आपको दें। ठीक है, तो चलो इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।